हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में देखेंगे एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 102 के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ये वीडियो सिर्फ क्यूब रीजन के लिए है। डिटेल वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से लिंक क्लिक करके आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट के सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं और उसके आंसर्स भी अवेलेबल हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पहले हम स्टार्ट करेंगे बायो से, देन आएंगे केमिस्ट्री पे, उसके बाद हम फिजिक्स देखेंगे। ओके, अगर इस वीडियो क्वालिटी आपको लो लगे तो आप वीडियो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। उसके बाद अगर वीएलएस मीडिया प्लेयर से चलाएंगे तो आपको फुल स्क्रीन में एचडी क्वालिटी में चलेगा। उसका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है, फिल मतलब ब्लैंक्स है तो फिल करके हम यहाँ पे रीड कर लेंगे। द स्पोरोजोवा आर पैरासाइट्स हैविंग एन इन्फेक्टिव सिस्ट स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल। एन एग्जाम्पल ऑफ स्पोरोजोवा इज द जीनस प्लाज्मोडियम विच काउजेज मलेरिया। आंसर सी, द स्पोरोजोवंस आर पैरासाइटिक प्रोटोजोवंस विच हैव एन इन्फेक्शस स्पोर बियरिंग स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल। दीज ऑर्गेनिजम्स यूजुअली हैव अल्टरनेट स्टेजेज ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ड्यूरिंग द इन्फेक्टिव स्टेज दीज पैरासाइट्स फॉर्म सिस्ट विच डिवाइड एंड प्रोड्यूस स्पोरोजोइट्स दैट एंटर द होस्ट सेल एंड काउज इन्फेक्शन इन देम। एन एग्जाम्पल ऑफ स्पोरोजोवा इज द मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम विच काउजेज मलेरिया। पीट मॉस इज यूज एज पैकिंग मटेरियल फॉर द शिपमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड लाइव प्लांट टू डिस्टेंट प्लेसेज बिकॉज। आंसर विल बी सी, इट बिकॉज इट इज हाइग्रोस्कोपिक। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड मॉसेज एंड इन लीवर ऑर्स। पीट इज द डिपोजिशन फॉर्म्ड वेन देयर इज अ पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। द मॉस स्फैग्नम प्रोवाइड्स पीट विच इज यूज एज फ्यूएल एज वेल एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लिविंग मैटर। इट इज यूज टू द फॉर द शिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स एज इट कैन होल्ड वाटर एंड देयर फॉर कीप्स द लाइव प्लांट्स एंड फ्लावर फ्रेश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रू। आंसर यहाँ पे ए होगा, इट ऑलोज सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स टू पास इन टू एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइल लेयर विथ एम्बेडेड प्रोटीन्स। इट इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच ऑलोज आयन्स एंड सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल। In bacteria, the cell wall is attached to the plasma membrane and plays the same role as a semi-permeable membrane. The plasma membrane protects the cell from the outside environment. Which of the following option is not correct for the post-fertilization changes? Answer will be D, integument pericarp. After fertilization, ovary develops to form the fruit and ovary wall develops to form a fruit wall called the pericarp. Ovules develop to form seed and integuments form seed coat, testa and tegumen. Funicle is the stalk of ovule which after fertilization forms stalk of seed. Consider the following statements. A. Mustard flower is hypogynous, rose is perigynous, China rose is hypogynous. Which of the following गिवन एबव स्टेट एबव इज आर करेक्ट। आंसर विल बी सी, ए बी सी, यहाँ पे तीनों जो है वो करेक्ट हैं। इन हाइपोगाइनस फ्लावर्स द स्टामेंस एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अटैच टू द रिसेप्टिकल बिलो द गाइनेशियम विथ अ सुपीरियर ओवरी। एंड इन पेरीगाइनस फ्लावर्स देयर इज अ फ्लोरल ट्यूब विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ स्टामेंस पेटल्स एंड सेपल्स। दिस ट्यूब इज अटैच टू द receptacle below the gynecium. Example of hypogynous flowers are mustard, China rose flower, and examples of perigynous are rose flowers, tomato, etc. Still includes all of these except. Answer will be D, endodermis. The central part present in the root of stem having the tissue derived from the procambium is known as stele in plants. The stele contains the vascular bundles, xylem and phloem for the storage and transport of water and nutrients. Pith is a ground tissue which stores and transports nutrients in the plants and is located in the center of the stem
इन सम प्लांट्स द पेरिसाइकिल इज अ लेयर ऑफ सेल्स विच सराउंड्स द स्टेल. इन टर्म्स ऑफ परमिएबिलिटी द सेल वॉल एंड प्लाज्मा लेमा आर. आंसर विल बी ए परमिएबल एंड डिफरेंशियली परमिएबल रिस्पेक्टिवली. द सेल वॉल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड इज फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स. द प्लाज्मा लेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज डिफरेंशियली परमिएबल और सेमी परमिएबल एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. दीज मेम्ब्रेन्स ऑल्सो फंक्शन टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. द मेजर रोल ऑफ माइनर एलिमेंट्स इन साइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज टू एक्ट एज. आंसर विल बी बी को फैक्टर्स ऑफ इंजाइम्स. द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और द माइनर एलिमेंट्स आर द वंस विच आर नॉट रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज. द मिनरल्स रिक्वायर्ड कैन बी आइदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स वेयर एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज विच मेनली एक्ट एज अ को फैक्टर ऑफ इंजाइम्स. एग्जाम्पल कॉपर एक्ट्स एज अ को फैक्टर ऑफ द इंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. आयरन इज नीडेड बाई द इंजाइम कैटलेज एक्सेट्रा. मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट कम्बिनेशन. ओके तो फर्स्ट यहाँ कार्बोक्सिलेशन का होगा 3 यानी रुबिस्को. फॉस्फोराइलेशन का बी का 5 यानी एटीपी फॉर्मेशन. सी का 1 फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ऑक्सीजन इवोल्यूशन. डी फॉस्फोग्लाइकोलेट का होगा 2 यानी फोटोरिस्पायरेशन में होते हैं. और ई का यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास 4 यानी केमोसिंथेसिस करते हैं. कार्बोक्सिलेशन इज द फर्स्ट रिएक्शन इन द केल्विन साइकिल वेयर इन द एटमोस्फेयरिक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स 3PgA इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम रुबिस्को. फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस व्हेन द एडीपी गेट्स कन्वर्टेड टू एटीपी ड्यू टू द फॉस्फेट एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एज द एनर्जी सोर्स. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर्स व्हेन द ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल टेक्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर विच रिलीजेज ऑक्सीजन. 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट इज फॉर्म्ड व्हेन द एंजाइम RuBP ऑक्सीजिनेज स्प्लिट्स द मॉलिक्यूल ऑफ राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. द नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इनऑर्गेनिक केमिकल्स. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन फर्स्ट फर्स्ट गेट्स ऑक्सीडाइज. तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड जो है यहाँ पे फिर करके रीड कर लेंगे. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड इट्स इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. व्हाइल इन फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ए गेट ऑक्सीडाइज्ड टू ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. आंसर विल बी डी. द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन बोथ द सेल्स एज वेल एज इन फोटोसिंथेसिस. इन एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड गेट ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. वेयर एज इन क्लोरोप्लास्ट द लाइट हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन एंड द क्लोरोफिल ए डिनोट्स टू इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आफ्टर ऑक्सीडेशन. सर्टेन प्लांट्स नीड टू बी एक्सपोज टू अ लो टेम्परेचर टू हास्टेन फ्लावरिंग लेटर इन लाइफ. दिस ट्रीटमेंट इज नोन एज. आंसर विल बी सी वर्नलाइजेशन. वर्नलाइजेशन इज द फेनोमेनन इन विच द फ्लावरिंग इन प्लांट्स इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर. वर्नलाइजेशन प्रोमोट्स फ्लावरिंग एंड इनेबल्स द प्लांट टू हैव एनफ टाइम टू रीच मैच्योरिटी. स्ट्रेटिफिकेशन इज अ प्रोसेस विच इज यूज टू ब्रेक सीड डोरमेंसी बाई प्रोवाइडिंग इट विद द डिजायरेबल कंडीशन नीडेड फॉर द ग्रोथ. एंड स्कैरिफिकेशन मीन्स ब्रेकिंग ऑफ द टफ एक्सटीरियर ऑफ द सीड और वीकनिंग इट टू ऑलो जर्मिनेशन. फोटोपेरिडिजम इज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू द पीरियड्स ऑफ डे एंड नाइट. और फर्टिलाइजेशन ऑफ फोटोपेरिडिजम का वीडियो बना हुआ है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं.
विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट पेटूनिया? आंसर ए, इट इज अ जीनस अंडर द फैमिली सोलेनेसी एंड ऑर्डर पॉलिमोनियल्स। ओके, द थिक पार्ट ऑफ द क्रोवाइड लेयर फॉर्म्स, आंसर विल बी सी, सिलियरी बॉडी। द क्रोवाइड लेयर इज द थिन ओवर द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल, बट इट बिकम्स थिक इन द इंटीरियर पार्ट टू फॉर्म द सिलियरी बॉडी। द सिलियरी बॉडी इट सेल्फ कंटिन्यूज फॉरवर्ड टू फॉर्म अ पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर कॉल्ड द आयरिस, विच इज द विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। मार्केंसिया इज, आंसर विल बी डायोसियस इन नेचर। ओके, गोल्गी एपरेटस इज एबसेंट इन, आंसर विल बी डी, ब्लू ग्रीन एल्गी। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं सारे में हो जाएंगे। ओके, बाकी ए बी सी यहाँ पे ईकैरियोटिक हैं। द प्लांट सेल लैक्स, आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दी, यानी प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स, एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स नहीं होते हैं। विच अंडरग्राउंड स्टेम हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड एंड पेरेनेशन, आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज, कोलोकेशिया, जमीनकंद और टर्मरिक। रिपीटेड क्वेश्चन है। अंडरग्राउंड स्टेम्स आर मॉडिफाइड प्लांट्स दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली अंडर द सर्फेस ऑफ द स्टेम बट आर डिराइव फ्रॉम द स्टेम टिश्यू ओनली। दे मेनली वर्क्स एज स्टोरेज फॉर द फूड एंड न्यूट्रिएंट्स लाइक ट्यूबर्स एंड राइजोम्स। दीज मॉडिफाइड स्टेम्स ऑल्सो फंक्शन टू प्रोपगेट न्यू क्लोन्स एंड पेरेनेशन। फ्यू फ्यू एग्जाम्पल सच एज स्टेम्स आर सच स्टेम्स आर कोलोकेशिया, जमीनकंद, टर्मरिक, पोटैटो, जिंजर एक्सेट्रा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, तो आंसर यहाँ पे ये होगा, प्रेजेंस ऑफ इंटर सेलुलर स्पेसिस। तो इंटर सेलुलर स्पेसिस नहीं होते हैं। बाकी बी सी डी जो यहाँ पे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल हैं। थिन सेलुलर सेल वाल, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और हाई मेटाबॉलिक रेट। पी जी ए एज द फर्स्ट सीओ टू फिक्सेशन प्रोडक्ट वॉज डिस्कवर्ड इन फोटोसिंथेसिस ऑफ, आंसर विल बी ए, अल्गा। PGA इज ऑल्सो नोन एज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वॉज डिस्कवर्ड इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ अल्गा। मेलविन कैल्विन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिस्कवरी एज ही इज रेडियो एक्टिव C14 इन अल्गल क्लोरेला फोटोसिंथेटिक स्टडीज विच लेड टू द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट विच इज PGA। दिस एसिड ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंजाइम इन द कन्वर्जन ऑफ CO2 टू ऑर्गेनिक एसिड। विच स्टेप इज कॉल्ड गेटवे स्टेप लिंक रिएक्शन इन एरोबिक रिस्पायरेशन, आंसर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए। लिंक रिएक्शन एज द नेम सजेस्ट इट लिंक्स और कनेक्ट्स टू साइकिल्स और रिएक्शंस। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पायरुविक एसिड। दिस पायरुवेट मॉलिक्यूल इज डीकार्बोक्सिलेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इज ऑक्सीडाइज एंड कन्वर्टेड टू एसिटाइल को एंजाइम ए। दिस ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंड इज नोन एज द लिंक रिएक्शन बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो ये यहाँ पे कह रहा है बोथ शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट कैन फ्लावर साइमल्टेनियसली इन अ गिवन प्लेस। बी यहाँ पे सुगर सुगर बीट, कैबेज एंड कैरोट आर कॉमन बाइनियल्स। सम इम्पॉर्टेंट फूड प्लांट्स व्हीट, बार्ली एंड राई हैव थ्री काइंड्स ऑफ वेराइटीज, विंटर, समर एंड स्प्रिंग वेराइटीज। डी यहाँ पे है फर्टिलाइजेशन प्रोमोट्स प्रिकोशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन एंड इनेबल्स द प्लांट टू हैव सफिशियंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी। ई यहाँ पे है मेनी ऑफ द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो सी और डी जो यहाँ पे है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, बाकी ए बी और ई यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। द ग्रुप ऑफ प्लांट्स रिक्वायरिंग लेस टाइम ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट आर नोन एज शॉर्ट डे प्लांट्स, वेयर एज दोज विच रिक्वायर लॉन्गर ड्यूरेशन आर नोन एज लॉन्ग डे प्लांट्स। दीज प्लांट्स कैन ग्रो साइमल्टेनियसली इन द सेम प्लेस। वर्नलाइजेशन इज अ फेनोमेनन विच प्रोमोट्स फ्लावरिंग बाई प्रिवेंटिंग अर्ली रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट एंड गिविंग द प्लांट्स टाइम टू रीच मैच्योरिटी। द फूड प्लांट्स हैव टू वेराइटीज, विंटर एंड स्प्रिंग। वर्नलाइजेशन इज ऑल्सो सीन इन बानियल्स लाइक सुगर बीट, कैरोट एंड कैबेज। द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर,
लाइट एंड वाटर। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स तो फिल करके रीड कर लेंगे। इन अ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम द किंगडम दैट इंक्लूड्स द फोटोट्रॉप्स कीमोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स सी आंसर विल बी डी मोनेरा। द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज बाई आर एच विटेकर कंसिस्टेड ऑफ मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एंड एनिमेलिया। दिस क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स लाइक स्ट्रक्चर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स एंड रिप्रोडक्शन। फोटोऑटोट्रॉप्स लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी वेयर इंड्यूस्ड इन द किंगडम प्लांटी इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी बट इन दिस क्लासिफिकेशन हैज ब्राउट टूगेदर ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स अंडर द किंगडम मोनेरा विच ऑल्सो इंक्लूड्स द हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई और पैथोजेनिक बैक्टीरियाज एंड कीमोट्रॉफिक बैक्टीरियाज लाइक नाइट्रोसोमोनास सल्फर यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया एक्सेट्रा। द फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन हैज आंसर विल बी ए हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स। ये हमारी पीरियड क्वेश्चन है। फॉस्फोलिपिड्स आर लिपिड मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ फैट टू फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। दे आर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड ऑलो पैसेज ऑफ सिलेक्टेड सब्सटेंसेज इन एंड आउट ऑफ द सेल। द स्ट्रक्चर ऑफ दीज लिपिड्स इज बाई लेयर्ड विच इज अ हाइड्रोफिलिक हेड वाटर लविंग एंड अ हाइड्रोफोबिक टेल वाटर हीटिंग। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दे आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीपैथिक। वन कैन डिस्टिंग्विश अ लीफलेट फ्रॉम द लीफ बाय द एब्सेंस ऑफ आंसर विल बी सी एक्जिलरी बड। द लीफ कैन बी ऑफ टू टाइप्स सिंपल एंड कंपाउंड। अ सिंपल लीफ इज अ रेगुलर वन विच ग्रोज ऑन द स्टेम एंड ब्रांचेज। द कंपाउंड लीफ कंटेन्स अ स्मॉल लीफ लाइक पार्ट विच इज कॉल्ड द लीफलेट। इट इज लाइक अ लीफ ओनली बट इज नॉट फॉर्म्ड ऑन द मेन प्लांट स्टेम एज अ लीफ बट डेवलप्स ऑन द ब्रांच ऑफ द लीफ और द पेटियोल। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लीफ एंड लीफलेट वन शुड नोटिस फॉर द प्रेजेंस ऑफ एक्जिलरी बड्स विच आर फाउंड इन अ लीफ फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ लीफ एंड स्टेम बट नॉट इन लीफलेट्स। अ स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप शोज द फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट यूनिसेलुलरिटी सेकेंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस थर्ड बाइफ्लैजेलेट वन फ्लैजिलम लाइंग लॉन्गिट्यूडिनली एंड अदर ट्रांसवर्सली व्हिच व्हाट वुड यू आइडेंटिफाई इट एज आंसर विल बी डी डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स आर यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट्स ऑल्सो नोन एज मेराइन प्लैंक्टोन्स विच मेक द सी अपियर लाइक रेड टाइड ड्यू टू इट्स रैपिड मल्टीप्लीकेशन। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड आर ऑर्गेनिजम्स बियरिंग टू डिसिमिलर फ्लैजिला वन लाइंग लॉन्गिट्यूडिनली एंड अदर ट्रांसवर्सली। दे आर कंसिडर्ड टू बी एल्गी बट शो अ प्रेजेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विच मेक्स इट्स प्लेसमेंट कॉन्ट्रोवर्सियल। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज बीन यूज टू आंसर विल बी डी ऑल ऑफ दीज यानी ए बी सी यहाँ पे तीनों होंगे। क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज इन्हांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल एंड इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग सिक्स हाईली काइटिनस प्लेट्स कॉल्ड टीथ। आंसर विल बी डी बोथ ए एंड सी यानी गिजर्ड और प्रोवेंट्रिकुलर्स। द एलिमेंट्री कैनाल इन कॉकरोच इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट फोर गट मिड गट एंड हिंड गट। फोर गट कंसिस्ट ऑफ माउथ ओसोफेगस क्रॉप एंड गिजार्ड। द क्रॉप इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर गट। इट्स मेन फंक्शन इज टू स्टोर फूड। द गिजार्ड इज ऑल्सो नोन एज प्रोवेंट्रिकुलस। फूड फ्रॉम क्रॉप एंटर्स द गिजार्ड। द गिजार्ड इज मेड अप ऑफ मसल्स एंड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टीथ इन द इनर लेयर एंड दस इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग। फूड फ्रॉम द गिजार्ड देन इंटर्स द मिड गट वेयर रिमेनिंग ग्राइंडिंग एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। विच हॉर्मोन मेंटेन्स प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन सिक्रेशन बाय द कॉर्पस ल्यूटियम थ्रू द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। आंसर विल बी सी एच सी जी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंट एंड दस फॉर्म्स इम्ब्रियो। दिस इम्ब्रियो देन गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्रस एट अराउंड द 8th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी। इट इज द ब्लास्टुला दैट गेट्स इम्प्लांटेड। द प्रेगनेंसी कैन ऑल्सो बी कंफर्म्ड थ्रू
ब्लड और यूरिन टेस्ट एज हार्मोन HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाड्रोपिन बिगिंस टू इंक्रीज इन ब्लड एंड यूरिन। दिस हार्मोन बिगिंस टू इंक्रीज फ्रॉम द 8th डे एंड रिमेन्स इन द ब्लड टिल द पास्चुरेशन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाड्रोपिन इज द एम्ब्रियोनिक हार्मोन दैट इंश्योर्स द कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन थ्रू आउट द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। दिस हार्मोन इनिशियली इज रिलीज बाई ट्रोफो ब्लास्ट एंड देन बाई प्लासेंटा। एग्जाम्पल ऑफ डिजीजेज रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। आंसर विल बी डी। यहाँ पे जो है निमोनिया वो यहाँ पे डिजीज रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल नहीं है, बाकी ए बी सी जो है वो डिजीज ड्यू टू लाइफ स्टाइल है, यानी लिवर सिरोसिस, इम्फाइसेमा और ओबेसिटी। डिजीजेज मीन्स अनइजीनेस। डिजीज आर क्लासिफाइड एज इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस। इन्फेक्शस डिजीज आर कॉज्ड बाई पैथोजेंस एंड आर दस कम्युनिकेबल। नॉन इन्फेक्शन इन्फेक्शस डिजीजेज आर नॉट कॉज्ड बाई पैथोजेंस। दिज इंक्लूड डिजीजेज रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल्स, कंजेनाइटल डिजीज, डिजीजेज रिलेटेड टू ओल्ड एज एक्सेट्रा। डिजीजेज रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल इंक्लूड डिजीज कॉज्ड ड्यू टू ओवर यूज ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल्स, लैक ऑफ ओबेसिटी एक्सेट्रा। निमोनिया इज कॉज्ड बाई पैथोजेन एंड हेंस इट इज एन इन्फेक्शस डिजीज। बेलेनोग्लोसस हैज, आंसर विल बी बी वेल डेवलप्ड सिलोम। एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स डिपेंडिंग ऑन द एबसेंस एंड प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नॉन कॉर्डेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू मेनी फाइला बिगिनिंग फ्रॉम फाइलम पोरीफेरा टू फाइलम हेमिकॉर्डेट्स। फाइलम पोरीफेरा इंक्लूड्स द सिंपलेस्ट एनिमल्स, वाइल्ड कॉर्डेट्स इंक्लूड द एडवांस्ड एनिमल्स एज मेनी फीचर्स आर सीन इवॉल्विंग। वन सच इंपॉर्टेंट फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ बॉडी सीरम, एज द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम विल लार्जली डिपेंड ऑन दिस फीचर। पोरीफेरा, सिलेंट्रेट, ट्रिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिंथीज आर सीरोमेट्स, एस्केल्मिंथीज आर सीडो सीरोमेट्स। एज द सीरोम इज नॉट कम्प्लीटली फॉर्मड, ऑल एनिमल्स फ्रॉम फाइलम एनिलिड्स टू कॉर्डेट्स शो प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम एंड हेंस यूज सिलोमेट्स। दस हेमिकोडेट्स आर ऑल्सो यूज सिलोमेट्स एंड इट इंक्लूड्स बेलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 31। अ वोमेन एक्सीडेंटली टच्ड अ हॉट पैन विदाउट वियरिंग अ पेयर ऑफ मिटेंस। ऑन कॉन्टेक्ट सी इमिडिएटली यंग्स हर हैंड अवे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द एबो फेनोमिनन। आंसर विल बी यहाँ पे सी होगा, रिफ्लेक्स एक्शन का केस है। द इम्पल्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय अ डोर्सल नर्व रूट टू द स्पाइनल कॉर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। आंसर विल बी सी, राइज इन ब्लड यूरिया। हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ डिफिशियंसी ऑफ थायरॉयड हार्मोन T3 एंड T4। एज थायरॉयड ग्लैंड फेल टू प्रोड्यूस थायरॉयड हार्मोन, देयर इज अ फीडबैक टू द पिट्यूटरी ड्यू टू व्हिच TSH इंक्रीजेज। थायरॉयड हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म, हेंस इन केस ऑफ डिफिशियंसी द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी स्लोज डाउन एंड दस वेट ऑफ द पर्सन इंक्रीजेज। दिस ऑल्सो कॉजेज वाटर एक्यूमुलेशन। सिंस देयर इज नो मेटाबॉलिज्म, अ पर्सन हैज नो एनर्जी टू परफॉर्म वर्क एंड दिस कॉजेज लेथार्जी। If this deficiency occurs in children, this will result in retarded mental health. Urea is a nitrogenous waste and its accumulation is related to kidney function. Find the incorrect match with respect to the location of the bone in the body. तो answer यहाँ पे D जो है वो incorrect होगा। Patella जो होता है वो pelvis में नहीं होते हैं, बाकी A, B और C जो है बिल्कुल सही है। कार्पस रिस्ट में होते हैं, टिबिया हिंडलिम में, टार्सस एंकल में। ईच अपर लिम एंड लोअर लिम हैज 30 बोन्स। अपर लिम कंसिस्ट ऑफ ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस एंड फैलेंजेज। कार्पल्स आर 8 इन नंबर एंड अरेंज्ड इन टू रोज। देयर आर द रिस्ट, दीज आर द रिस्ट बोन्स। लोअर लिम कंसिस्ट ऑफ फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सस, मेटाटार्सल, फैलेंजेज एंड पैटेला नी कैप। ओके, टिबिया फिबुला आर द बोन्स ऑफ द सैंक रीजन, टार्सल्स आर 7 एंड फॉर्म द एंकल, पैटेला इज द नी कैप। इट इज अ सिस्मॉइड बोन एज इट इज फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ द टेंडोन्स।
यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स को फिल करके रीड कर लेंगे। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर मेल इनफर्टिलिटी ड्यू टू वेरी लो वेरी फ्यू स्पर्म ओलिगोस्पर्मिया इन द इजैकुलेट इट कैन बी ओवरकम बाय द यूज ऑफ आंसर विल बी डी बोथ बी एंड सी यानी जिप्ट और ICSI। ये भी क्वेश्चन वहाँ पर रिपीट कर चुका है। ओलिगोस्पर्मिया इज अ लो काउंट ऑफ स्पर्म पर इजैकुलेट इट कैन बी माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर ड्यू टू आर्ट्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज सच अ मेल टू कैन ओवरकम इट्स इनफर्टिलिटी। टू इंपॉर्टेंट टेक्निक्स आर जिफ्ट एंड ICSI। जिफ्ट इज अ जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इन दिस टेक्निक द स्पर्म्स एंड एग्स आर फर्टिलाइज इन टेस्ट ट्यूब्स एंड देन द जाइगोट इज ट्रांसफर्ड इन टू द यूट्रस। दिस प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ स्पर्म्स एंड इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। द अदर टेक्निक इज सुटेबल इन केस ऑफ ओलिगोस्पर्मिया इज ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इन दिस स्पर्म्स आर इनडायरेक्टली इंजेक्टेड इन साइड द ओवम टू अवॉइड वेस्टेज। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स तो फिल करके रीड कर लेंगे। अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो अ फिश लाइक रेप्टाइल्स नेम्ड इचियोसोरस वॉज इवॉल्व्ड एज द रेप्टाइल्स फ्रॉम द लैंड वेंट बैक इन टू द वाटर। इचियोसोरस आर लार्ज एक्सटिंक्ट फिश लाइक रेप्टाइल्स। इचियो मीन्स फिश एंड सोर मीन्स लिजर्ड लाइक। दीज इवॉल्व इन द मिसोजोइक एरिया। दीज वेयर फॉर्म्ड एज रिप्टाइल्स बट वेंट बैक इन टू वाटर। विच ऑफ दीज कैनॉट बी रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। आंसर विल बी सी इंट्रोडक्शन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स इन टू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारा नॉट रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी है। बाकी ए बी सी जो है वो रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी है। ये यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ DNA और मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द लाइपेज एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। आंसर विल बी डी लार्ज इंटेस्टाइन। लाइपेज एंजाइम ब्रिंग्स अबाउट डाइजेशन ऑफ फैट्स दैट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स। इट इज सिक्रेटेड बाई द स्टोमक पेनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज अ सब क्लास ऑफ एंटरेजेज। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स तो फिल रीड कर लेंगे। द डायलेजिंग यूनिट आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स अ फ्लूइड व्हिच हैज अ सिमिलर कंपोजिशन टू प्लाज्मा एक्सेप्ट इट हैज नो यूरिया। सच अ सेटअप इज यूज्ड एज द क्योर फॉर यूरेमिया। आर्टिफिशियल किडनी इज अ मशीन दैट इज यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन द पीपल हुज किडनी फेल और आर डैमेज्ड। दिस प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस। दिस मशीन कंटेन्स डायलेजिंग फ्लूइड। दिस फ्लूड इज प्रोड्यूस्ड बाई ब्लेंडिंग ऑफ ट्रीटेड वाटर विथ इलेक्ट्रोलाइट्स। द कंपोजिशन ऑफ द डायलाइजिंग फ्लूड शुड बी द सेम एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट फॉर द नाइट्रोजिनस वेस्ट दैट इज यूरिया। बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मेनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आइदर फ्री और इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन। आंसर विल बी ए सिलिकॉन। ह्यूमन्स एंड अर्थ क्रस्ट शोज प्रेजेंस ऑफ मेनी एलिमेंट्स इन डिफरेंट परसेंटेज। ऑक्सीजन इज अ मेजर एलिमेंट इन बोथ। हाउएवर द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज कार्बन व्हाइल इन द अर्थ क्रस्ट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन इज नेग्लिजिबल इन द ह्यूमन बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑप्शंस डिपिक्ट्स द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स रिस्पायरेशन एंड एक्सप्रेशन इज टू कैलकुलेट द सेम। आंसर यहाँ पे ए होगा। टोटल लंग कैपेसिटी इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी कैपेसिटी आर द सम ऑफ टू और मोर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। दीज आर एज फॉलोज। टोटल लंग कैपेसिटी इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन। इट इंक्लूड्स ऑल द वॉल्यूम्स। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड नॉर्मली एंड फोर्सफुली। इट इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इट इज द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड नॉर्मली एंड फोर्सफुली। इट इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
वाइटल कैपेसिटी, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन और आउट आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन और आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इफ अ पर्सन इज रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल, द ड्यूरेशन ऑफ हिज कार्डिक साइकिल विल बी, आंसर विल बी लेस देन 0.8 सेकेंड। द कार्डिक साइकिल इन्वॉल्व ऑल द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द हार्ट बीट। इट इन्वॉल्व सिस्टोल एंड डायस्टोल। द ड्यूरेशन ऑफ इच कार्डिक साइकिल इज अबाउट 0.8 सेकेंड। द एवरेज एडल्ट पर्सन हैज 65 to 75 हार्ट बीट्स पर मिनट। दस 65 to 75 बीट्स इक्वल टू 60 सेकेंड, सो 1 बीट इक्वल टू 0.8 सेकेंड। दस इट इज सीन दैट हार्ट बीट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल। ड्यूरिंग एक्सरसाइज हार्ट बीट इंक्रीजेज एंड दस ड्यूरेशन डिक्रीजेज दैट इज लेस देन 0.8 सेकेंड। द सेल्स ऑफ द मेन स्ट्रक्चर टिश्यू ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर स्पेसेज कॉल्ड, आंसर विल बी बी लैकुनी। बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लेएबल ग्राउंड सब्सटांस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ। इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गेन्स। द बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेसेज कॉल्ड लैकुनी। दीज लैकुनी ऑल्सो हैव एक्सटेंशंस नोन एज कैनाली कुली। लैकुनी आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज टू बट आर विदाउट कैनाली कुली। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ पुबर्टी ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ, आंसर विल बी बी GnRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स। इट टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस मेल गोनेट्स ड्यू टू गोनेडोट्रोपिक हॉर्मोन्स GnRH। ओके, गोनोट्रोपिक हॉर्मोन यानी GnH। दीज आर रिलीज फ्रॉम एंटेरियर पिट्यूटरी। द हॉर्मोन ऑफ एंटेरियर पिट्यूटरी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। दस GnH आर रिलीज व्हेन GnRH गोनोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस रीच द एंटेरियर पिट्यूटरी। Read the symptoms given below and identify the disease. Constipation, abdominal pain, cramps, stools with excess mucus and blood clots. Answer will be B, amoebic dysentery. The above symptoms are related to a condition known as amoebic dysentery. This is caused by protozoan end amoeba histolytica. This condition occurs due to consumption of untreated water or uncooked food. Bloody stools are the characteristic symptom of this condition. This is also known as intestinal amoebiosis as it causes incestation of the wall of the intestine. It is treated by metronidazole. The respiratory organs of a whale are, answer yahan pe B hoga, lungs. The iris of the eye is like an extension of, answer D, choroid. Human eye consists of three layers. The outer layer is fibrous layer and consists of posterior part sclera, while anteriorly forms cornea. The middle layer is the vascular layer, also called as uvea. Okay, it consists of posterior part called choroid that anterior forms a ciliary apparatus, further extends as iris. This iris is not continuous on both the sides and shows presence of a small opening known as pupil. This iris is responsible for the eye color depending on the amount of melanin it contains. Thus, it can be black or blue or green in humans. The innermost layer of the eye is retina. Which hormone possesses an anti-insulin effect? Answer will be A, cortisol. Insulin is a hormone produced by the beta cells of pancreas. Its main function is to transport glucose to the cells. Thus, it decreases the blood glucose levels. Glucagon is a hormone secreted by alpha cells of pancreas. Its function is opposite to that of insulin. Glucagon converts the glycogen into glucose and thus increases the blood glucose levels. Growth hormone and cortisol also have function similar to
ग्लूकागॉन दैट इज अपोजिट टू दैट ऑफ इंसुलिन अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन कॉर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज दिस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस दिस इज इंपॉर्टेंट एज बॉडी हैज इंक्रीज डिमांड्स टू यूज ग्लूकोज स्मूथ मसल्स आर आंसर ए इनवॉल्ट्री स्पिंडल शेप्ड इन्यूनिकुलेटेड टेपरिंग ओके ये जो क्वेश्चन हमारा पहले रिपीट कर चुका है आगे बढ़ते हैं अ कपल इज अनेबल टू बियर अ चाइल्ड डिस्पाइट हैविंग अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस दे डिसाइडेड टू हैव अ टेस्ट ट्यूब बेबी ऑन बींग डायग्नोज द डॉक्टर एडवाइज देम फॉर अ टेक्निक विच रिक्वायर्स द ट्रांसफर ऑफ एन एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स आइडेंटिफाई द टेक्निक एडॉप्टेड बाय द कपल आंसर विल बी IUT यानी इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हेल्प्स अ कपल टू बियर अ चाइल्ड देयर आर वेरियस सच मेथड्स द फेमस इज द टेस्ट ट्यूब बेबी इन दिस द स्पर्म्स एंड एग्स आर कलेक्टेड एंड आर फर्टिलाइज इन द टेस्ट ट्यूब दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जायगोट द जायगोट फॉर्म्स एन एम्ब्रियो एंड देन स्टार्ट क्लीवेज दिस फर्टिलाइज प्रोडक्ट इज देन ट्रांसफर टू द फीमेल बॉडी फॉर फर्दर डेवलपमेंट इफ द फर्टिलाइज एम्ब्रियो हैज लेस देन 8 ब्लास्टोमियर्स इट इज ट्रांसफर्ड इन टू अ फेलोपियन इन द into the fallopian tube but if the embryo has more than 8 blastomeres it is transferred into the uterus so that it can get implanted there this is known as IUT yani intrauterine transfer the cranial capacity of homo habilis was about humne iska trick bhi bataya tha homo habilis h4 hexa hota hai to 6 ke around hote hain 680 ke around to answer yahan pe b hoga 700 cc 652 800 सीसी होते हैं यहाँ पे होमो हैबिलिस का इसे आंसर होगा बी 700 सीसी अप्रोक्सीमेटली ए काइमेरिक डीएनए इज आंसर विल बी सी रिकॉम्बिनेंट डीएनए काइमेरिक डीएनए इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इट इज आल्सो नोन एज हाइब्रिड डीएनए एज इट कैरीज डीएनए सेगमेंट्स फ्रॉम अदर सोर्सेस द स्टेप इन मेकिंग काइमेरिक डीएनए इन्वॉल्व isolating DNA, digestion of DNA with restriction enzymes, joining of DNA fragments, inserting DNA into host cells, and then screening and selection of the transformed cells. In DCT, antidiuretic hormone makes the filtrate hypertonic to blood plasma. Nephron is the structural and functional part of the kidney. It consists of the renal corpuscle and renal tubule. PCT is the main site of absorption as all essential nutrients and 70-80% of electrolytes and water are reabsorbed here. Thus, the filtrate remains isotonic here. The ascending limb of Henle's loop is impermeable to water and permeable to electrolytes. The filtrate from here passes into the DCT, hence it is hypotonic to it. ADH hormone absorbs water from DCT and thus filtrate becomes hypertonic. Which amino acid among the following is non-essential? Answer will be D. यहाँ पे जो tyrosine है वो non-essential है. बाकी phenylalanine, leucine और tryptophan यहाँ पे essential हैं. Mark the true statement among the following with reference to normal breathing. Answer will be Inspiration is an active process, whereas expiration is passive process. A soluble clotting factor that is made insoluble by thrombin is answer will be fibrinogen. The three phases of the uterine cycle is in order. Answer will be C. सबसे पहले menstrual phase होंगे, then proliferative, then ovulatory phase (MPO). मेंस्ट्रुअल प्रोलिफरेटिव फॉलिकुलर फेज ओवुलेटरी फेज देन सेक्रेटरी और ल्यूटियल फेज फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे है तो फिल करके यहाँ पे रीड कर लेंगे ओके फर्स्ट यहाँ पे है द सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गेन्स प्रोवाइड द साइट फॉर इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विथ एंटीजेन विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल्स ओके सेकेंड यहाँ पे है द थाइमस इज अ लॉब्ड ऑर्गेन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन ओके और डी यहाँ पे थर्ड है स्प्लीन हैज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ
इसीलिए इसे ब्लड बैंक भी बोलते हैं। ओके, लिम्फॉइड ऑर्गन्स कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स दैट फॉर्म एंड मैच्योर द लिम्फोसाइट्स। दीज आर बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो फॉर्म्स बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, व्हाइल थाइमस हेल्प्स इन मैच्योरिंग टी लिम्फोसाइट्स। सेकेंडरी ऑर्गन्स प्रोवाइड द साइट्स फॉर इंट्रैक्शन ऑफ फॉर्मेड लिम्फोसाइट्स एंड दस दीज फॉर्म इफेक्टेड सेल्स। दीज ऑर्गन्स आर स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, पेयर्स, पैथेज एक्सेट्रा। थाइमस इज ऑल्सो नोन एज थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी एंड इज लोकेटेड इन द चेस्ट रीजन, लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। स्प्लीन इज नोन एज द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी सेल्स एंड दस इज अ रिजर्वायर ऑफ इट। ओके, विच ऑफ दीज हॉर्मोन मे बी अ प्राइमरी रोल इन मेंटेनिंग सर्कैडियन रिदम। आंसर विल बी सी, मेलाटोनिन। ओके, रिपीटेड क्वेश्चन है। फॉसिलाइज्ड रिमेन्स ऑफ ह्यूमनॉइड वे आर डिस्कवर्ड इन अ स्मॉल टाउन 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी ऑफ म्यूनिक। थ्रू कार्बन डेटिंग दीज रिमेन्स वे आर एस्टिमेटेड टू बी 1,40,000 ईयर्स ओल्ड। फर्दर स्टडीज रिवील्ड दैट द ह्यूमन हैड अ शॉर्ट स्टैचर, हैवी आईब्रोज, लार्ज जॉज, लंबरिंग गेट एंड अ स्टूप्ड पोस्चर। बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोबेबल चॉइस ऑफ दिस ह्यूमन। आंसर विल बी ए, नेंडरटल मैन। अमंगेस्ट द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट ए टू डी सम आर रॉन्ग। ये यहाँ पे कह रहा है अनआर्म पैथोजन वेक्टर्स आर ऑल्सो यूज इन द ट्रांसफर ऑफ डीएनए इन टू द होस्ट। ओके, यहाँ पे रॉन्ग पूछ रहा है, ये यहाँ पे करेक्ट होगा। बी कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये हमारा जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। सी यहाँ पे कह रहा है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। डी यहाँ पे है द फर्स्ट ट्रांसजेनिक शीप रूसी प्रोड्यूस्ड इन रिच्ड मिल्क विद ह्यूमन अल्फा लैक्टोबिलिन। तो यहाँ पे शीप नहीं, काउ था, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट बी एंड डी यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी ए और सी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ वाज नेम्ड रूसी दैट प्रोड्यूस्ड मिल्क विथ ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। इट वाज 2.4 ग्राम पर लीटर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज यूज टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंसेज। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन बायोटेक्नोलॉजी। इट इंक्लूड्स कलेक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। द पैथोजेंस टू बी यूज इन द ट्रांसफर ऑफ डीएनए शुड बी अनआर्म्ड और डिसआर्म्ड, विच मीन्स इट शुड नॉट बी एबल टू कॉज एनी डिजीज। द कर्व गिवन बिलो शोज एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन रिलेशन टू टू कंडीशंस, पीएच एंड टेम्परेचर। व्हाट डज द टू एक्सिस एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट। आंसर यहाँ पे ए होगा। एक्स एक्सिस यहाँ पे है टेम्परेचर और वाई एक्सिस एंजाइम एक्टिविटी। ओके, एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स, टेम्परेचर, पीएच एंड सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन। व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड टू शो द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स ऑन एंजाइम एक्टिविटी, बेल कर्व इज ऑब्टेन इन केस ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, व्हाइल सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन। बेल कर्व शो द एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम एट द मीन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच एंड देयर इज नो एक्टिविटी सीन एट वैल्यूज लोअर एंड हायर देन द मीन वैल्यू। व्हेन दीज ग्राफ्स आर प्लॉटेड एक्स एक्सिस सोज टेम्परेचर और पीएच एंड वाई एक्सिस सोज एंजाइम एक्टिविटी। रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा, आगे बढ़ते हैं। इन आरएनए इंटरफेरेंस द साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कंप्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड दैट बाइंड्स एंड फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। ओके, तो ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी द जीन दिस इज जीन सब्सट्रैक्शन। दिस मेथड इज यूज टू चेंज द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट बाई आइदर इनएक्टिवेशन और रिमूवल ऑफ द जीन। अनिमेटोड मेलोडोगाइनी इनकॉग्निशिया इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स काउजिंग अ ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस डैमेज वाज द आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस आरएनए आई।
आरएनएआई इज अ नेचुरली अकरिंग मैकेनिज्म दैट कॉजेज साइलेंसिंग ऑफ द जीन। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। मैच कॉलम वन विथ कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। फर्स्ट यहाँ पे मल्टीपल एलील्स, सेकेंड पॉलीजीन्स और थर्ड पेलियोट्रॉपी। तो फर्स्ट का यहाँ पे सेकेंड होगा, यानी मल्टीपल एलील्स का ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस, पॉलीजीन्स का होगा थर्ड यानी स्किन कलर इन ह्यूमंस, और पेलियोट्रॉपी का फर्स्ट यानी फिनाइल क्यूटोनिडिया इन ह्यूमंस। मल्टीपल एलील्स इज अ कंडीशन वेयर मोर देन टू वेरियंट्स ऑफ जीन ऑक्यूपाई द सेम लोकस। म्यूटेशन इज चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए सेगमेंट। म्यूटेशन इन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एलील इफ द चेंजेस आर सिंपल एंड नॉट ऑन मेनी बेसिस। मल्टीपल एलील्स कंबाइन इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस डिफरेंट फिनोटाइप्स। ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स हैविंग थ्री एलील्स व्हिच कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस फोर पॉसिबल फिनोटाइप्स ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। व्हेन ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय थ्री और मोर जीन्स दे आर कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट्स एंड देयर इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ह्यूमन स्किन कलर इज अ क्लासिक एग्जाम्पल फॉलोइंग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एज स्किन कलर इज रेगुलेटेड बाई थ्री पेयर्स ऑफ जीन। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन्स विच इन ट्रू एक्सप्रेसेज द कैरेक्टर और फीचर रिप्रेजेंटेड बाई द जीन। व्हेन दिस जीन इज रेगुलेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन वन फीचर इन एन ऑर्गेनिज्म सच फेनोमेनन इज कॉल्ड पेलियोट्रॉपी। फिनाइल क्यूटोनूरिया इज एन इनबॉर्न ईडर ऑफ मेटाबोलिज्म वेयर द इंडिविजुअल हैज रिड्यूस्ड मेटाबोलिज्म ऑफ द एमिनो एसिड फिनाइल एलानिन। इट इज रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर एंड एग्जाम्पल ऑफ पेलियोट्रॉपी। इन अमीबाज इन सिस्टेशन इज रिपीट क्वेश्चन आंसर विल बी सी विड्रॉल ऑफ सीडोपोडिया एंड सीक्रेट्स थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग ऑफ सिस्ट अराउंड इटसेल्फ। टू सेल्ड पॉलन ग्रेन्स ऑफ एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंट। आंसर विल बी पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। द थ्री सेल्ड पॉलन ग्रेन ऑफ एंजियोस्पर्म इज कंसिडर्ड टू बी मैच्योर मेल गैमेटोफाइट वेयर द टर्मिनल पोजिशन हैज मोर ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ट्यूब न्यूक्लियस। द टू मेल गैमेट्स रिमेन इन द बैक साइड ऑफ द ट्यूब न्यूक्लियस। नियरली 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स रिलीज देयर पॉलन ग्रेन इन थ्री सेल्ड स्टेज व्हाइल रेस्ट ऑफ द 60% ऑफ एंजियोस्पर्म रिलीज पॉलन ग्रेन इन टू सेल्ड स्टेज। द टू सेल्ड स्टेज इज रिफर टू एज पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। इन फोर ओक्लॉक प्लांट्स द जीन फॉर रेड फ्लावर कलर कैपिटल आर इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द जीन फॉर व्हाइट फ्लावर कलर स्मॉल आर। हेंस द प्लांट्स हेटरोजाइगस फॉर फ्लावर कलर कैपिटल आर स्मॉल आर हैव पिंक फ्लावर्स। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स इन क्रॉस बिटवीन रेड फ्लावर एंड पिंक फ्लावर्स। आंसर यहाँ पे सी होगा, 50% रेड फ्लावर्स एंड 50% पिंक फ्लावर्स। ये भी जो हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज अ डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस वेयर द हेटरोजाइगस इंडिविजुअल इंस्टीड ऑफ एक्सप्रेसिंग द डोमिनेंट ट्रेट इट एक्सप्रेसेज अ ट्रेट विच इज अ मिक्स ऑफ द पैरेंट ट्रेट्स। ऑन क्रॉसिंग रेड हैम होमोजाइगस फ्लावर्स ऑफ फोर ओ क्लॉक प्लांट विथ पिंक फ्लावर्स ऑफ फोर ओ क्लॉक प्लांट द फॉलोइंग जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स आर ऑब्टेंड। इन यूकेरियोट्स द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज आंसर विल बी ए सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस। रेजिस्टेंट टू जैसिड्स इन कॉटन एंड सीरियल लीफ बीटल इन व्हीट इज ड्यू टू। आंसर विल बी हेरी लीव्स। इंसेक्ट्स एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन आर वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड इट्स प्रोड्यूस। क्रॉप प्लांट शोज इंसेक्ट रेजिस्टेंस विच कैन बी ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। हेयरी लीव्स इज इन सेवरल प्लांट्स आर एसोसिएटेड विथ रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। एग्जाम्पल रेजिस्टेंट टू जैसिड्स इन कॉटन एंड सीरियल लीफ बीटल इन व्हीट। इन व्हीट सॉलिड स्टेम लीड टू नॉन प्रिफरेंस बाई द स्टेम सॉफ्ट फ्लाई एंड स्मूथ लीव्स एंड नेक्टरलेस कॉटन वेराइटीज डू नॉट अट्रैक्ट वॉलवर्म्स।
यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है तो फिल करके रीड कर लेंगे। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हाइल वर्किंग ऑन स्टेप्रो स्टेप स्टेपो स्टेफाइलोकोक्सी बैक्टीरिया ऑब्जर्व पेनिसिलियम नोटेटम ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवाश्ड कल्चर प्लेट्स अराउंड विच दिज बैक्टीरिया कुड नॉट ग्रो। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर द कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स इज कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट्स थ्रू। आंसर विल बी इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। आंसर यहाँ पे बी जो है वो करेक्टली मैच्ड है। प्रोडक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होता है। प्राइमरी कंज्यूमर इन अ फूड चेन इज अ प्रोड्यूसर विच यूजेज द लाइट एनर्जी टू मेक फूड। फ्रॉग इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर दैट फीड्स ऑन इंसेक्ट्स इन द फूड चेन। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। स्लाइम मोल्ड्स आर फाउंड इन गल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड डिकेइंग प्लांट बॉडी। प्रोडक्टिविटी इज द रेट एट विच एनर्जी इज एडेड इन टू द ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ बायोमास एंड मेजर्ड एट किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। टेम्परेट इकोसिस्टम इंक्लूड द सब ट्रॉपिक्स एंड पोलर सर्किल्स। डिजर्ट्स रेन फॉरेस्ट मैनग्रोव्स कोरल रीफ्स वेटलैंड्स इस्टुएरीज एंड अल्पाइन मेडोज आर एग्जाम्पल ऑफ। आंसर विल बी सी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द एरोमेटिक पॉली यूरेथेन इलास्टोमेरिक पॉलीमर एंड यूज एलॉन्ग विथ बिटुमेन इज। आंसर विल बी ए पॉली ब्लेंड। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है पॉली ब्लेंड के बारे में। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स। आंसर विल बी डी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स वाज नॉट चूजन बाई मेंडल। आंसर डी लोकेशन ऑफ पॉड जो है वो नॉट चूजन बाई मेंडल था। बाकी पॉड से पॉड कलर और लोकेशन ऑफ फ्लावर जो है मेंडल ने चूज किया था। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ट्रांसक्रिप्शन। आंसर यहाँ पे सी होगा, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कोड ऑफ डीएनए टू आरएनए। यहाँ पे जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ट्रांसक्रिप्शन इज वन ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस वेयर एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए। इन दिस प्रोसेस एडेनिन पेयर्स विथ यूरासिल एज आरएनए हैज यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायमिन। डीएनए कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू द न्यूली सिंथेसाइज एम आर एन एज इट कंटेन्स द सिस्ट्रॉन। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स तो फिल करके रीड कर लेंगे। द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इन टू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। ये भी हमारा जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। फॉर अ पॉपुलेशन एट कैरिंग कैपेसिटी। आंसर ए मोर्टेलिटी रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट। कैरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट कैन बी सस्टेन्ड इज इन अ पर्टिकुलर एरिया। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव नॉर्मली इन अ पर्टिकुलर एरिया। द मेन लिमिटिंग फैक्टर फॉर द कैरिंग कैपेसिटी इज द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द एरिया और द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इफ द इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर नॉट मेट देन द पॉपुलेशन विल कीप डिक्रीजिंग अंटिल द रिसोर्सेज रीबाउंड। एट कैरिंग कैपेसिटी द पॉपुलेशन स्टेबलाइज एंड हैव द रेट ऑफ मोर्टेलिटी सेम एज द रेट ऑफ नेटिलिटी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है रिमूवल ऑफ टाइगर फ्रॉम एन एरिया विल रिजल्ट इन इंक्रीज ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन ऑफ दैट एरिया। ये यहाँ पे जो है वो इनकरेक्ट होगा। ओके, सेकेंड यहाँ पे कह रहा है ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट लोअर ट्रॉफिक लेवल्स फॉर दियर एनर्जी डिमांड्स। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थर्ड यहाँ पे कह रहा है फूड चेन्स आर सस्टेन्ड बाई प्रोड्यूसर्स एंड डिकम्पोजर्स। ओके, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही होगा। फोर, तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड जो है वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इन फूड चेन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पैरो ऑपरेट्स एट वन ट्रॉपिक मॉडल। तो ये हमारा गलत है। स्पैरो जो है वो सेम टाइम में दो ट्रॉपिक लेवल हो सकता है उसका। आंसर यहाँ पे सी सेकेंड एंड थर्ड होगा। ओके, द एनर्जी गेन इन एन ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज यूटिलाइज एट ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ऑल्सो लॉस्ट एट हीट टू द सराउंडिंग। दस लोअर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। ऑर्गेनिजम्स एट ईच
ट्रॉपिक लेवल डिपेंड्स ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल फॉर दियर एनर्जी डिमांड्स. द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक कंटेंट्स आर ब्रोकन डाउन टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिकम्पोजिशन. इट इज ब्राउट अबाउट बाई डिकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स एंड डिकम्पोजर्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग द फूड चेन. रिमूवल ऑफ टाइगर्स फ्रॉम एन एरिया विल रिजल्ट इन डिक्रीज ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन ऑफ दैट एरिया एज द इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ डियर विल कंज्यूम मोर वेजिटेशन. स्पैरो इज इन अ फूड चेन कैन एग्जिस्ट एट टू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स. व्हाइल फीडिंग ऑन ग्रेन्स इट ऑक्यूपाइज सेकेंड ट्रॉफिक लेवल. व्हाइल फीडिंग ऑन वर्म्स दे ऑक्यूपाइज थर्ड ट्रॉफिक लेवल. इन सीटू कंजर्वेशन इज कैरिड आउट थ्रू. आंसर विल बी डी ऑल ऑफ द अबव, यानी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फेयर रिजर्व्स. यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिर रीड कर लेंगे. अ साउंड ऑफ 150 डेसिबल इज जनरेटेड बाई टेक ऑफ ऑफ अ जेट प्लेन. ओके, रिपीट क्वेश्चन है. फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाई. आंसर विल बी सी, इम्ब्रियो सैक. द सिम्टम्स ऑफ अ जेनेटिक ऑर्डर आर शॉर्ट स्टैटर्ड विथ अ स्मॉल राउंड हेड, फरवर्ड टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ. सच जेनेटिक डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोजोम नंबर. आंसर विल बी B21. बहुत बार हमने देखा था, डाउन सिंड्रोम का क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट कर चुका है. सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाई मोर देन वन कोडोन, हेंस द कोड इज. आंसर विल बी A, डीजेनरेट. सक्सेशन इज. आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट, यानी ग्रेजुअल कन्वर्जेंट डायरेक्शनल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस. सीरीज ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज दैट अपीयर ग्रेजुअली इन अ बैरन एरिया और ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी चेंज टिल स्टेबिलिटी. द हाइपरबोलिक इक्वेशन फॉर द स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप इज. आंसर विल बी डी, एस इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड. रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर वाटर पॉलिनेटेड. आंसर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी जोस्टेरा, वेल्सनेरिया और हाइड्रिला, सारे जो होते हैं वो वाटर पॉलिनेटेड होते हैं. पॉलिनेशन बाई वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेडिग्री एनालिसिस. तो यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस के लिए ये जो यहाँ पे इनकरेक्ट होगा. सॉलिड सिंबल्स शोज अनअफेक्टेड इंडिविजुअल, तो ये हमारा गलत है. अफेक्टेड इंडिविजुअल को सॉलिड सिंबल से रिप्रेजेंट किया था. बाकी बी सी डी यहाँ पे बिल्कुल सही है. स्क्वायर रिप्रेजेंट्स मेल इन द पेडिग्री चार्ट. इट इज यूजफुल फॉर जेनेटिक काउंसलिंग और इट इज एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स इन सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली. पेरियस्पर्म इज रेमिनेंट ऑफ. आंसर विल बी बी, न्यूसेलस. रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है. इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना. इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पीपर एंड बीट, रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर ऑल्सो परसिस्टेंट. दिस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज द पेरियस्पर्म. लास्ट क्वेश्चन बायो का है. हैप्लोडिप्लॉयड इज फाउंड इन. आंसर विल बी डी, हनी बीज एंड सैंड वास्प्स. द फिनोमेनन वेयर एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इन टू मेल एंड द फर्टिलाइज्ड एग फॉर्म्स अ फीमेल इज कॉल्ड हैप्लोइड डिप्लॉयड मैकेनिज्म और हैप्लोडिप्लॉयड. इन सच सिनेरियो फीमेल इज डिप्लॉयड एंड मेल इज हैप्लोइड. ऑल्सो द स्पर्म सेल्स आर फॉर्म्ड बाई माइटोसिस एंड फीमेल एग्स बाई मियोसिस. इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट विल स्टिल डेवलप बट इन टू अ मेल एरेनोटोकी और एरेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस. इट इज कॉमनली ऑब्जर्व इन इंसेक्ट्स सच एज बीज, वास्प, सॉ फ्लाइज एंड एंट्स. ओके, ये सारे तो बायो क्वेश्चन. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना. जो नए भी हो से प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे सारे वीडियो आते रहेंगे एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट के. अब आते हैं केमिस्ट्री में. केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन फॉर्म एच बॉन्डिंग विथ ईच अदर. आंसर यहाँ पे ए होगा, एसिटिक एसिड एंड वाटर. आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन स्टेट्स दैट ई के इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू. इन दिस इक्वेशन ई के रिफर्स टू. आंसर विल बी डी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स. द आई यू पी एस सी नेम ऑफ सी एस थ्री सी ओ एन एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच. आंसर यहाँ पे होगा ए, फोर कार्बोमाइल पेंट थ्री इनोइक एसिड.
रेशियो इन व्हाट रेशियो 80% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ H2SO4 बी मिक्स टू 20% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ H2SO4 टू प्रोड्यूस 40% वेट बाई वॉल्यूम H2SO4 सोल्यूशन। आंसर विल बी 1:4, 1:2। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन एडिंग विल नॉट चेंज द pH ऑफ 100 ml ऑफ HCl डायलूट सोल्यूशन। आंसर यहाँ पे डी होगा, 50 ml ऑफ HCl। अरेंज ए बेसिसिटी ऑफ गिवन कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आंसर यहाँ पे बी होगा, 1, 4, 3 एंड 2। द रेशियो अमंग द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मीन वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट टी टेम्परेचर फॉर सेम गैस इज गिवेन बाय। आंसर विल बी डी, √2:√8/π/√3। यहाँ पे इस रिएक्शन में प्रोडक्ट जेड क्या होगा? ओके तो यहाँ पे टोलुइन है, Cl2 और लाइट एक्स प्रोड्यूस करता है। एक्स को अगर इक्वस एनओएच के साथ वाई हो रहा है, वाई को अगर रिएक्शन करवा रहे हैं सोडा लाइम और हीट कर रहे हैं तो जेड बन रहा है। प्रोडक्ट जेड यहाँ पे होगा, डी यानी बेंजीन। ऑटोऑक्सीडेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर गिव्स, आंसर डी बोथ है एंड बी यानी ओनली कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड दोनों देता है। फॉर एन आयनिक क्रिस्टल ऑफ जनरल फॉर्मूला A+B- एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 द रेडियस रेशियो विल बी। आंसर विल बी बी, बिटवीन 0.41 एंड 0.73। द इनकरेक्ट ऑर्डर इज, आंसर विल बी सी, HF सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद HCl एंड देन HBr एंड HI ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन द गिवन रिएक्शन एक्स यहाँ पे क्या होगा? अल्कोहलिक KOH और हीट कर रहे हैं। आंसर यहाँ पे ए होगा, CH3CH2C डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे कुछ करेक्शन है, डबल बॉन्ड CH3 यहाँ पे नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ओके डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2 होगा। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ H2Cl2? आंसर विल बी बी, Cu2+ आयंस रिएक्ट्स विद Fe2+ आयंस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। Cu2+ + 2 Fe2+ रिवर्सिबली गिव Cu+ 2 Fe3+। एट इक्विलिब्रियम द कंसेंट्रेशन ऑफ Cu+ आयंस इज नॉट चेंज्ड बाय द एडिशन ऑफ। आंसर विल बी सी, Cu। व्हिच द फॉलोइंग सॉल्ट्स अंडरगोज हाइड्रोलिसिस? आंसर बी, CH3COOK। इन द गिवन रिएक्शन CH3CH2CH2O CH2CH3 विद कॉन्केचाई X+Y, X एंड Y रिस्पेक्टिवली बी। आंसर विल बी ए, CH3CH2CH2OH एंड CH3CH2I। द करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग इज। आंसर यहाँ पे जो है वो डी होगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे Ni H2O6 2+ देन Ni NH3 होल 6 2+ एंड सबसे कम यहाँ पे Ni NO2 6 4- होगा। इन द गिवन रिएक्शन C6H5CH2CH3 इन प्रेजेंस ऑफ NBS गिव्स एक्स एंड एक्स इन प्रेजेंस ऑफ एल अल्कोहलिक KOH एंड हीट गिव्स वाई। इन द गिवन रिएक्शन एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली आर। आंसर विल बी डी, C6H5CHBr CH3 एंड C6H5CH2। अमॉन्ग द एलिमेंट्स विथ एटोमिक नंबर 9, 20, 17 एंड 36 विच इज हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव? आंसर यहाँ पे डी होगा, एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20। टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स वेयर इमर्ज्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक सल्फेट एंड इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द सॉल्यूशन। आफ्टर सम टाइम इट वाज फाउंड दैट द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपीयर्ड विथ इवोल्यूशन ऑफ गैस एट द इलेक्ट्रोड द कलरलेस सॉल्यूशन कंटेंस। आंसर विल बी डी, सल्फ्यूरिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल? आंसर विल बी सी, सबसे ज्यादा H3O+ देन H2S+ देन H3SE+ सबसे कम यहाँ पे H3LTE+ होगा। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, आंसर विल बी बी, H/π। पोटेशियम पर मैनेट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडेंट इन न्यूट्रल अल्कलाइन एज वेल एज एसिडिक मीडियम। द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम इट इन द थ्री कंडीशंस आर रिस्पेक्टिवली। आंसर विल बी बी, MnO2, MnO2 एंड Mn2+। रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। ऑन मिक्सिंग 10 ml ऑफ एसीटोन विथ 40 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म
द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज, आंसर विल बी ए लेस देन 50 ml. विच अमाउंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स, आंसर विल बी सी सीएच टू ओ एच सी एच टू ओ एच. विच पेयर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाई आई टू एंड एन ओ एच, आंसर विल बी डी सी सिक्स एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री एंड सी सिक्स एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री. कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. ओके, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच सी 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 डबल बॉन्ड सी एच डबल एच सिंगल बॉन्ड सी आर एच डबल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच आर 414347615 एंड 453 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली. आंसर विल बी सी माइनस 1425 किलो जूल. विच मेटल सल्फाइड इज सोलूबल इन एक्सेस एन एच थ्री सोल्यूशन, आंसर विल बी डी सी आर टू एच थ्री. द रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस एज दिस फॉलोइंग रिएक्शन. ओके, ई नॉट इक्वल टू प्लस 1.23 और सेकेंड में ई नॉट इक्वल टू माइनस 0.44 वोल्ट है. दस डेल्टा जी नॉट फॉर द नेट प्रोसेस इज, आंसर विल बी ए माइनस 332 किलो जूल पर मोल. द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी इज 75 जूल पर कैलविन पर मोल वेन 1 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू 100 ग्राम ऑफ वाटर विच इज फ्री टू एक्सपैंड. द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज, आंसर विल बी बी 2.4 के. विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म बीटा अमीनो अल्कोहल विथ इथाइलिन ऑक्साइड, आंसर विल बी बी एन एच थ्री. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, आंसर बी ग्लूकोज इज टू ग्लूकोज जो यहाँ पे म्यूटा रोटेशन यहाँ पे शो करता है. द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज थ्री टाइम्स एज एसिडिक एज प्योर वाटर इज, आंसर विल बी डी 6.523. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आंसर यहाँ पे होगा डी कंसेंट्रेशन जो है वो बढ़ाएंगे तो रेट यहाँ पे कॉन्स्टेंट ही रहता है. इन द गिवेन रिएक्शन सीक्वेंस एक्स विल नॉट बी, आंसर विल बी डी एन ए एन एच टू एंड हीट. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन सर्व एज अ मोनोमर फॉर एडिशन पॉलीमर, आंसर विल बी डी ऑल ऑफ दीज. ओके, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी सिक्स एच फाइव सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एन और सी एल एच डबल बॉन्ड सी एच टू. विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स गिव्स चिलेट कम्प्लेक्सेज, आंसर विल बी बी सी टू ओ फोर टू माइनस. वाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, आंसर विल बी बी थ्री. रिएक्शन एक्स टू गिव्स जेड प्लस हाफ वाई गैस एग्जिबिट एंड इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम 150 टू 170 mm इन 10 मिनट्स. द रेट ऑफ डिस अपेयरेंस ऑफ एक्स टू इन mm पर मिनट इज, आंसर विल बी सी 4 मिलीमीटर पर मिनट. विच हैलोजन ऑक्सीडाइज वाटर एट रूम टेम्परेचर बट डज नॉट अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन इन टू इट, आंसर विल बी ए एफ टू. हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड, आंसर विल बी बी इन्वर्जन. के एफ हैज एन एस सी एल स्ट्रक्चर. द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल हैज बीन फाउंड टू बी 537.6 पिकोमीटर. द डिस्टेंस बिटवीन के प्लस एंड एफ माइनस इन के एफ इज, आंसर विल बी सी 268.5 पिकोमीटर. इन द गिवन रिएक्शन C6H5C11OCH3 इन प्रेजेंस ऑफ C2H8MgBr एंड H2OH प्लस X विल बी, आंसर विल बी डी ऑप्टिकली एक्टिव 3 डिग्री अल्कोहल. अरेंज रिएक्टिविटी ऑफ गिवन कार्बोजुलिक एसिड फॉर एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, आंसर यहाँ पे होगा बी 1, 2, 3, 4. ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है मॉक टेस्ट में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आंसर विल बी सी न्यूट्रल ऑक्साइड CO2 CO और N2O. ओके, ये सारे थे हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चंस. वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कर देना, जो नए व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब कर देना. आते फिर इसमें क्वेश्चन में फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द एच एटम स्पेक्ट्रम बिलोंग्स टू द बामर सीरीज, आंसर विल बी सी 4861 एंगस्ट्रॉम.
द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन इन अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट एनर्जी लेवल टू द सेकेंड एनर्जी लेवल इज ई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज पॉसिबल फॉर द सेम एनर्जी इन हीलियम एटम? आंसर विल बी B2 to 4. अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इन टू थ्री पीसेज, टू ऑफ विच ऑफ मास एम बाई फोर ईच आर थ्रोन ऑफ इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस विथ स्पीड्स ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, देन द थर्ड पीस विल बी थ्रोन ऑफ विद द स्पीड ऑफ, आंसर विल बी सी 2.5 मीटर पर सेकेंड. अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन विथ स्पीड 2v इज हिट बाई अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2m मूविंग इन द वाई डायरेक्शन विथ स्पीड v. इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक द परसेंटेज लॉस इन द एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन इज क्लोज टू, आंसर विल बी डी 56%. A body moves along a circular path of radius 10 meter and the coefficient of friction is 0.5. What should be its angular speed in radian per second if it is not to slip from surface? G equal to 9.8 meter per second square. Answer will be D 0.7. A small magnet of dipole moment capital M is kept on the arm of a deflection magnetometer set in tan A position at a distance of 0.2 meter. If the deflection is 60 degree, find the value of capital M. BH equal to 0.4 into 10 power minus 4 Tesla. Answer will be A, 2.77 ampere per meter square. Repeated question hai abhi. Two wires that are made up of two different materials whose specific resistance are in the ratio 2 is to 3, length 3 is to 4 and area 4 is to 5. The ratio of their resistance is, answer will be C, 5 is to 8. 8 resistance, each of resistance 5 ohm are connected in the circuit as shown in the figure. The equivalent resistance between A and B each. Answer will be A, 8 by 3 ohm. A time constant of the given circuit is T. If the battery is replaced by an AC source having voltage V equal to V naught cos omega T, power factor of the circuit will be, answer will be B, 1 by under root 1 plus omega tau whole square. Okay. An ideal transformer converts 220 volt AC to 3.3 kilovolt AC. It transmits the power of 4.4 kilowatt if the primary coil has 600 turns, then alternating current in the secondary coil is, answer will be B, 4 by 3 ampere. In the given figure, a capacitor of plate area A is charged up to charge Q. The mass of each plate is M2. The lower plate is rigidly fixed. Find the value of M1 so that the system remains in equilibrium. Answer will be C, Q square by 2 epsilon to AG plus M2. Yeh bhi hamara jo hai repeated question hai. A charge Q is uniformly distributed over the surface of two conducting concentric spheres of radii R and small r. Capital R equal is more than R, then potential at the common center of these spheres. Answer will be B, K cube into capital R plus R by R square plus a small r square. A satellite which is geostationary in a particular orbit is taken to another orbit, the distance of which is twice that of earlier orbit. The time period of the satellite in the second orbit is, answer will be C, 48 under root 2r. If g is the acceleration due to gravity on Earth's surface, the gain of the potential energy of an object of mass m raised from the surface of the Earth to a height equal to the radius capital R of the Earth is, answer will be C, 1 by 2 mgr. A monoatomic gas initially at 17 degrees Celsius has suddenly compressed adiabatically to 1/8 of its original volume. The temperature after compression is, answer will be D, 1160 Kelvin. Five moles of hydrogen gas are heated from 30 degrees Celsius to 60 degrees Celsius at a constant pressure. Heat given to the gas is given R equal to 2 calorie per mole per degree Celsius. Answer will be C, 1050 calorie. A cylindrical vessel made of thermally insulating material is divided into two equal parts by an insulating and
मूवेबल पिस्टन, बोथ पार्ट्स कंटेन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, द गैस इन द लेफ्ट पार्ट इज सप्लाइड हीट सच दैट द वॉल्यूम ऑफ राइट पार्ट बिकम्स 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, वर्क डन बाय द गैस इन द राइट पार्ट इज, आंसर विल बी ए -9/2 PV। अ करेंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इज बेंट सो एज टू कन्वर्ट इट इंटू अ डबल लूप, बोथ द लूप्स आर कंसेंट्रिक एंड आर कैरिंग करेंट इन द सेम डायरेक्शन, इफ इनिशियली बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल देन फाइनली मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी, आंसर विल बी D4B। करेंट आई इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर एज शोन इन द फिगर, द रेडियस ऑफ द कर्व्ड पार्ट इज आर, द लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन इज वेरी लॉन्ग, द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ विल बी, आंसर विल बी ए -I/4 πr इंटू 3π/2 + 1। अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट पासिस थ्रू टू पॉइंट्स पी एंड क्यू सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस विद वेलोसिटी 30 km/h एंड 40 km/h रेस्पेक्टिवली, द वेलोसिटी ऑफ द कार मिड वे बिटवीन पी एंड क्यू इज, आंसर विल बी सी 25√2 km/h। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम टी आर गिवेन बाई एक्स इक्वल टू 2t + 4t² एंड वाई इक्वल टू 5t, वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर एंड टी इन सेकेंड, द एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड इज, आंसर विल बी सी 8 m/s². द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अप अ रफ इंक्लाइंड प्लेन इज डबल द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन द प्लेन, द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज 60 डिग्री इज, आंसर विल बी सी 1/√3। अ मैन वेइंग 80 kg इज स्टैंडिंग इन अ ट्रॉली वेइंग 320 kg, द ट्रॉली इज रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल रेल्स, इफ द मैन स्टार्ट वॉकिंग ऑन द ट्रॉली विथ अ स्पीड ऑफ 1 m/s, देन आफ्टर 4 सेकेंड हिज डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू द ग्राउंड विल बी, आंसर विल बी सी 3.2 m। स्टार्टिंग विद अ सैम्पल ऑफ प्योर Cu667/8 ऑफ इट डिकेज इन टू जेडियन इन 15 मिनट्स, द कॉरिस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ इज, आंसर विल बी सी 5 मिनट्स। द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैम्पल डिक्रीजेज टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 3 डेज, देन इन 9 डेज इट्स एक्टिविटी विल बिकम, आंसर विल बी ए 1/27 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। अ यूनिफॉर्म स्प्रिंग ऑफ नॉर्मल लेंथ एल हैज अ फोर्स कॉन्स्टेंट के इज कट इंटू टू पीसेज ऑफ लेंथ L1 एंड L2 सच दैट L1 इज इक्वल टू एन L2, वेयर एन इज एन इंटीजर, देन द वैल्यू ऑफ के वन फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ स्प्रिंग ऑफ लेंथ L1 इज, आंसर विल बी बी के इंटू एन माइन एन प्लस 1/n। अ मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वर्टिकल स्प्रिंग विच इज एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच एट द हाइस्ट पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मास इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल टू 10 m/s², आंसर विल बी डी 1/π m/s। अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 nm एंड इंटेंसिटी 1 W/m² फॉल्स ऑन द सरफेस ऑन फोटोइलेक्ट्रिक मेटल, इफ 1% ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स प्रोड्यूस्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, देन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम एन एरिया ऑफ 1 cm² ऑफ द सर्फेस इज नियरली, आंसर विल बी 1.5 × 10^12 s². वेन अ मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज एट डिस्टेंस 0.2 m फ्रॉम अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, द सैचुरेशन करेंट एंड कट ऑफ वोल्टेज आर 12 mA एंड 0.5 V, इफ द सेम सोर्स इज प्लेस्ड 0.4 m अवे फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक सेल, देन द सैचुरेशन करेंट एंड द स्टॉपिंग वोल्टेज रिस्पेक्टिवली आर, आंसर विल बी डी 3 mA एंड 0.5 V। द सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ अ स्प्रे पंप हैज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 8 cm², वन एंड ऑफ विच हैज 40 फाइन होल्स, ईच ऑफ एरिया
10 टू पावर माइनस 8 मीटर स्क्वायर इफ लिक्विड फ्लोज इनसाइड द ट्यूब विथ स्पीड ऑफ 0.15 मीटर पर मिनट द स्पीड विथ विच द लिक्विड इज इजेक्टेड थ्रू द होल इज आंसर विल बी बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 5 मीटर पर सेकेंड. अ बिग वाटर ड्रॉप इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एन स्मॉल वाटर ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियाई द रेशियो ऑफ द सर्फेस एनर्जी ऑफ एन ड्रॉप्स टू द सर्फेस एनर्जी ऑफ द बिग ड्रॉप इज आंसर विल बी बी क्यूब रूट ऑफ एन इज टू वन. अ फिश लुकिंग अप थ्रू द वाटर सीज द आउटसाइड वर्ल्ड कंटेंट इन अ सर्कुलर हॉरिजन हॉरिजॉन इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड द फिश इज 12 सेंटीमीटर बिलो द सर्फेस ऑफ द वाटर द रेडियस ऑफ द सर्कल इन सेंटीमीटर इज आंसर विल बी सी 30/√7. टू आइडेंटिकल थीन प्लेनो कन्वेक्स ग्लास लेंसेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इच हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड विथ दियर कन्वेक्स सर्फेसेज इन कॉन्टेक्ट एट द सेंटर द इंटरवेनिंग स्पेस इज फील्ड विद वायल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज आंसर विल बी सी -50 सेंटीमीटर. ओके क्वेश्चन नंबर 34. अ स्मूथ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास कैपिटल एम हैज टू आइडेंटिकल बीड्स ऑफ नेग्लिजिबल साइज ईच ऑफ मास एम विच कैन स्लाइड फ्रीली अलोंग द रॉड इनिशियली द टू बीड्स आर एट द सेंटर ऑफ द रॉड एंड द सिस्टम इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट सी फिगर देर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेज देन द बीड्स रीच द एंड्स ऑफ द रॉड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज आंसर विल बी बी कैपिटल एम ओमेगा नॉट बाई कैपिटल एम प्लस सिक्स स्मॉल एम. A disk of mass capital M and radius R has a spring constant K attached to its center, the other end of the spring being fixed to a vertical wall. If the disk rolls without slipping on a level floor, how far to the right does the center of mass move if the initially the spring has unstretched and the angular speed of the disk was omega naught? Answer will be B R omega under root 3 m by 2K. Electrically an isolated p-type semiconductor is answer will be C neutral. For the expression p equal to x plus xy, how many gates are required for its implementation? Answer will be D none of the above. 2 mole of ideal gas goes through process p equal to 2 v square by 1 plus V square, then change in temperature of the gas when volume changes from V equal to 1 meter cube to 2 meter cube is. Answer will be B, 11/5 R K. If the error in measuring the radius of the sphere is 2% and that in measuring its mass is 3%, then the error in measuring the density of material of the sphere is. Answer will be C, 9%. In a single slit Fraunhofer diffraction experiment with a decrease in the width of the slit, the width of the central maximum answer will be B increases. Repeated question A bhi hai. Two polaroids are kept across to each other. If one of them is rotated an angle 60 degree, the percentage of incident light now transmitted through the system is. Answer will be B, 12.5%. Question number 42. Calculate the ratio of speed of sound in neon to that in water vapor at any temperature given that the molecular weight of the neon gas equal to 2.02 10 to power minus 2 and molecular weight of water vapor equal to 1.8 10 to power minus 2. Gamma neon equal to 5/3 or gamma for water vapor is 4/3. Answer will be A, 1:1. Find beat frequency if the motion of two particles is given by y1 equal to 0.25 sine 310 t and y2 equal to 0.25 sine 316 t. Answer will be B, 3/π. Question number 44. A particle moves from position r1 equal to 3i cap plus 2 j cap minus 6 k cap meter to position r2 equal to 14i cap plus 13 j cap plus 9 k cap meter under the action of force 4i cap plus
जे कैप माइनस थ्री कैप के कैप न्यूटन, देन द वर्क डन इज, आंसर विल बी डी 10 जूल। लास्ट क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का है। पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स विच वैरीज विथ डिस्टेंस एज शोन इन द फिगर। इफ इट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम रेस्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो, इट्स वेलोसिटी एट एक्स इक्वल टू 12 मीटर इज, आंसर विल बी बी 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, सारे थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, जो नए व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट के। और जिन्हें भी एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट के सारे पीडीएफ चाहिए और विथ आंसर्स, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।